कमेटी की बैठक में आज बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। करीब 26,000 करोड़ की कई योजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार। CCEA की बैठक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम जारी कर सकती है सरकार। भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने की कवायद। कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने किया मंथन। कार्यक्रम का नाम रखा गया चिंतन शिविर। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग। चिंतन शिविर के दौरान पीएम ने सादगी से जीवन बिताने को बताया सफलता का मंत्र। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दिया उदाहरण। सहयोगियों के अच्छे आचरण को आत्मसात करने की दी सलाह। चिंतन शिविर के दौरान पीएम के सामने मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा। हेल्थ मिनिस्टर और कृषि मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन। नए मंत्रियों की नियुक्ति के लिए 100 दिन पूरे होने के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। चिंतन शिविर के दौरान मंत्रियों ने दिया 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा। आने वाले दिनों में 4 और चिंतन शिविरों का आयोजन करेंगे पीएम मोदी। अलग अलग मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों का पेश करेंगे ब्यौरा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर 17 सितंबर को लखनऊ में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। तेल की कीमत को GST में के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज संसद टीवी को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहेंगे मौजूद। दिल्ली में पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। यूपी चुनाव से पहले ब्लास्ट की थी साजिश। गिरफ्तार किए गए 6 आतंकियों में से 2 को पाकिस्तान में मिली थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक जैश और लश्कर से जुड़े हैं तार। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा भी था निशाने पर। अयोध्या को भी दहलाने की थी साजिश। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। अंडरवर्ल्ड से हो रही थी आतंकियों की फंडिंग। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से मिल रही थी मदद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में हमले के फिराक में थे। इटली के हथियार का कर रहे थे इस्तेमाल। दिल्ली यूपी और राजस्थान में इन आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिशान और उसामा ने पाक आर्मी से कराची में ली थी ट्रेनिंग। इसी सेंटर पर कसाब को भी किया गया था ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी किए बरामद। आतंकियों की यूपी महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। आतंकी जिशान के परिजनों ने गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा लॉकडाउन से पहले दुबई में अकाउंटेंट था जिशान। नौकरी जाने के बाद प्रयागराज में खजूर बेचकर करता था गुजारा। आतंकी मूलचंद उर्फ साजू की पत्नी ने अपने पति को बताया निर्दोष। कहा गांव में रहकर खेती करता था मूलचंद। रायबरेली से यूपी ATS ने किया है गिरफ्तार। दुनिया के सामने चेहरा चमकाने में जुटा है तालिबान। सद्गुण प्रचार और बुराई की रोकथाम मंत्रालय के जरिए खूंखार चेहरा छिपाने की कोशिश। इस्लाम की सेवा का दावा। खौफनाक शरिया कानूनों के जरिए इंसानियत को कुचलने की तैयारी में तालिबान। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा। अवैध संबंध रखने पर सरेआम पत्थर मारकर लेंगे जान। तालिबानी आतंकी मोहम्मद यूसुफ ने अमेरिकी अखबार को दिया बयान। कहा हत्यारे के जान लेकर दिलाएंगे इंसाफ। जानबूझकर जुर्म करने वालों को दिखाएंगे जहन्नुम का रास्ता। तालिबान के विदेश मंत्री की गिदड़ भभकी। कहा अफगानिस्तान पर दबाव ना डाले दुनिया। हम पर दबाव डालेंगे तो होगा नुकसान। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर तालिबान से मांगी मदद। तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का किया समर्थन। कश्मीर पर तालिबान की गीदड़ भभकी। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई के संकेत। भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। तालिबान के खूनी कब्जे में मदद करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने लगाई फटकार। पाकिस्तान पर तालिबान और हक्कानी आतंकियों को पालने का। कतर ने दिया तालिबानियों को झटका। कहा स्पष्ट समझौतों के बिना काबुल हवाई अड्डे की नहीं लेंगे जिम्मेदारी। पंजाब में किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का उकसाने वाला बयान। बोले दिल्ली हरियाणा में जाकर आंदोलन करे पंजाब के किसान। किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर सीएम अमरिंदर सिंह ने दी सफाई। कहा बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा यह आंदोलन नहीं गदर है। कुछ लोग तलवारें लाठी और डंडे लेकर आ रहे हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा को खोलने की कवायद तेज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग आज। गृहमंत्री विज ने दी जानकारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दी सरकार को धमकी। कहा शांति से रास्ता निकालो वरना फिर से दिल्ली के दरवाजे तोड़ेंगे किसान। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा यूपी में बीजेपी को चुनाव जिताने आया है हैदराबाद का चचा जान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने को लेकर मिल रही शिकायतों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संज्ञान। दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब। चित्रकूट में 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा। मृतकों में एक ही परिवार की 2 बच्चियां। महाराष्ट्र के अमरावती में वर्धा नदी से नाव पलटने से बड़ा हादसा। 11 लोगों की मौत की आशंका। अब तक 3 शव मिले हैं। 8 लोगों की तलाश जारी।
गुजरात के दाहोद में बाल बाल बचे एक युवक की जान, बस के नीचे आया पर कुछ ही क्षणों बाद बाहर निकल आया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल बना मसीहा, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे यात्री की बचाई जा। यूपी के औरैया से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें, घरेलू कलह से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। हरियाणा के सोनीपत में छेड़छाड़ के आरोपी पर ग्रामीणों का सतम, पेड़ से लटकाकर डंडों और बेल्ट से की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। पंजाब के मुक्तसर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, नशे का कारोबार करने वाले आरोपी पर टूट पड़े ग्रामीण, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई कर दिया आश्वासन। दिल्ली में बीच सड़क पर धुधुकर जली कार, सीआरपीएफ अधिकारी की गाड़ी में आग लगने से हड़कंप, बाल बाल बची जान। बाराबंकी में गैस सिलेंडर से चाय की दुकान में लगी आग, गैस रिसाव की वजह से हुआ हादसा, बाल बाल बची लोगों की जान। यूरोपीय देशों की तर्ज पर लखनऊ में भी दिखा स्टैच्यू बॉय, बिना हिले दो घंटे तक एक ही मुद्रा में रहने की कला, सेल्फी लेने के लिए मची हो। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, वीडियो में मां चला रही है गाड़ी, बच्चा पीछे बैठकर होमवर्क करते आ रहा है नजर। मीट गाला 2021 के बीच ट्विटर पर छाए रणवीर सिंह, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा हॉलीवुड उनके सामने कुछ नहीं। बड़े पर्दे पर कंगना रनौत बनेंगी सीता, कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, सामने आया फिल्म का पहला पोस्टर। एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया टाइगर श्रॉफ का वर्कआउट वीडियो, भारी भरकम वेट उठाते हुए नजर आए टाइगर, फैंस ने की टाइगर की तारीफ। नेहा टोनी कक्कड़ के नए गाने पर जमकर थिरकती नजर आई शिल्पा शेट्टी, नेहा कक्कड़ भी साथ में आई नजर, शिल्पा ने खुद शेयर किया वीडियो। यामी गौतम को अपनी नई फिल्म के लिए अपने किरदार में ढलने में लगते थे पूरे 3 घंटे, यामी ने मजेदार वीडियो किया शेयर। मालदीव्स में छुट्टी मना रही है हिना खान, वीडियो में नजर आ रहा दिलकश अंदाज, फैंस कर रहे हैं लुक की तारीफ।